हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य कक्षा 4 पाठ 4 अश्वमेघ का घोड़ा का वाचन करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 24 निकालिए। और इससे पहले कि मैं पाठ का वाचन शुरू करवाऊँ, मैं आपको थोड़ा सा इस पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये कहानी जो है तब की है जब श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर के गुजरता है, वहाँ के जो राजाओं को जिसने घोड़ा छोड़ा होता है, जैसे यहाँ पर श्री राम जी ने अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा था तो उनकी सेना से युद्ध करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में यही बताया गया कि जब श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा था तब कैसे लवकुश इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे जिस घोड़े को पकड़ रहे हैं वह उनके पिताश्री द्वारा छोड़ा गया है। वही जो उनके बीच में आपस में संवाद होता है वही इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों ने अपनी पुस्तक खोल ली होगी, अब मेरे साथ बहुत ध्यान से पाठ का वाचन शुरू करिए। बच्चों, आपने अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पृष्ठ नंबर 24 खोल लिया होगा। अब मैं पाठ 4 अश्वमेघ का घोड़ा का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से पाठ के वाचन को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक घोड़ा प्रवेश करता है। वहाँ सीता के दोनों पुत्र लव और कुश उपस्थित हैं। वे उस घोड़े को देखते हैं। तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में अश्वमेघ का घोड़ा जो श्री राम ने छोड़ा होता है वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ पर कौन होते हैं? सीता के दोनों पुत्र। कौन थे सीता के दोनों पुत्र? लव और कुश वहाँ पर उपस्थित थे। उपस्थित मतलब मौजूद थे। वे क्या करते हैं, आश्रम में घोड़े जो प्रवेश करता है घोड़ा उसको आते हुए देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। कुश अपने भैया को बोलता है, भैया लव, देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है, आओ हम इसे पकड़ें। लव अपने भाई कुश से कहता है, कुश इस घोड़े को मत छोड़ना, देखो यह इधर ही आ रहा है। कुश लव से कहता है, मैं तो इसे पकड़ूंगा और इस पर सवार होकर हम दोनों वन में घूमेंगे। लव कहता है कुश से, कुश इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े का आसन भी कितना सुंदर है, इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। इतने में क्या होता है, वहां पर श्री राम के सैनिक आता है और वह उन दोनों बालकों को बोलता है, बालक इस घोड़े को मत पकड़ो, यह घोड़ा अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र का है, यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो अब लवकुश सैनिक से क्या बोलते हैं, क्यों ना पकड़ें, हमने तो पकड़ रखा है, देखते हैं तुम क्या करते हो, हम किसी से युद्ध करने से नहीं डरते। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। सैनिक, ऋषि पुत्रों, यह अश्वमेघ यज्ञ का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। तो लवकुश सैनिक से बोलते हैं, तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूं। सैनिक, आह इतना तीक्ष्ण बाण, तीक्ष्ण का मतलब होता है नुकीला, कांटे की तरह नुकीला, चलो भाग चलें। लव कुश आपस में बोलते हैं, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। इतने में वहां पर कौन आता है, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कौन थे, श्री रामचंद्र जी के सबसे छोटे भाई और लवकुश के चाचा लगते थे वो। तो शत्रुघ्न लवकुश से कहते हैं, ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीर का सामना करो। तो लव कहता है, वह लगा तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को,
अंगरक्षक का अर्थ होता है बॉडीगार्ड, जो अंग की रक्षा करता है। और वह भागा शत्रुघ्न का घोड़ा। इतने में कुश कहता है, अब यह घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। इतने में वहाँ कौन आते हैं, वहाँ पर श्री राम आते हैं और वे लव कुश से बोलते हैं, ऋषि पुत्रों, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ, अब यह घोड़ा छोड़ दो। तो लव कुश श्री राम से कहते हैं, महाराज आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम, अभी हम युद्ध में हारे नहीं हैं, अतः घोड़ा नहीं देंगे। तो इतने में श्री राम लव कुश से कहते हैं, नहीं, ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरा कहना मानकर घोड़ा लौटा दो। तो लव कुश श्री राम की बात सुनकर कहते हैं, नहीं महाराज, युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं होगा, धनुष उठाइए। तो वो श्री राम को क्या करते हैं, चुनौती देते हैं कि हम ये घोड़ा वापस नहीं करेंगे, आप धनुष उठाओ। तब इतने में वहाँ कौन आती हैं, सीता, जो लवकुश की माता थी, वो आती हैं और वे आकर लवकुश को समझाती हैं। क्या समझाती हैं, नहीं नहीं लवकुश नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, पूज्य मतलब पूजने के योग्य, इन पर बाण मत छोड़ना। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न पलटिए। तो लवकुश कहते हैं अपनी माँ से, यह क्या कह रही हो माँ? तो माँ सीता उनका जवाब देती हैं, मैं ठीक कह रही हूँ, अयोध्यापति श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। तो राम कहते हैं सीता माता से, मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता? सीता सीता, लव कुश श्री राम से कहते हैं, महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। तो राम श्री राम लव कुश से कहते हैं, आओ मेरे शूरवीर पुत्रों, आओ गले लग जाओ, आज मैं धन्य हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस पाठ का वाचन पूरा किया। अब मैं आपको आज थोड़ा सा पाठ का जो सार है वो समझाती हूँ कि ये जो कहानी है ये तब की कहानी है जब श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, और अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद उन्होंने एक घोड़े को अपने राज्य की सीमा पर छोड़ा था। ठीक है बच्चों, अब वो घोड़ा चलते चलते किसके आश्रम में प्रवेश करता है, वह श्री वाल्मीकि जो वहाँ के ऋषि थे वहाँ के आश्रम में प्रवेश करता है। और वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर सीता माता अपने दोनों पुत्र लव और कुश के साथ रहती थी। तो लव और कुश वहाँ पर उपस्थित हैं और वे घोड़े को आते हुए देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर होता है वो घोड़ा, आभूषणों से सुसज्जित। तो वो बच्चे होते हैं, उनको वो घोड़ा बहुत अच्छा लगता है और वो आपस में बात करते हैं कि देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में है, चलो हम इसे पकड़ते हैं। तो दूसरा जो भाई होता है लव, वो कहता है कि हाँ इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये इधर ही आ रहा है। तो कुश कहता है कि भैया हम घोड़ा पकड़ेंगे और हम दोनों इस पर वन में घूमेंगे, घोड़े की सवारी करेंगे। और वो घोड़ा इतना सुंदर होता है, उस पर सोने की काठी होती है, उसका जो आसन होता है वह लाल रंग के कपड़े का होता है जो बहुत सुंदर होता है। उस घोड़े के गले में एक पत्र लटक रहा होता है। तो इतने में एक सैनिक आता है वहाँ पर, वो किसका सैनिक होता है, वो श्री राम जी का सैनिक होता है। वह उन बच्चों को बोलता है कि बच्चों इस घोड़े को मत पकड़ो, ये पता है किसका घोड़ा है, यह तो अयोध्या के जो महाराज है श्री रामचंद्र जी, उनका घोड़ा है, और अगर आपने ये घोड़ा पकड़ा तो आपको उनकी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे जो लवकुश थे वो इतने वीर और बहादुर होते हैं कि वो सैनिक की बातों से नहीं डरते, वो कहते हैं क्यों ना पकड़े, हमने तो पकड़ रखा है, देखते हैं तुम क्या करते हो, और हम किसी से युद्ध करने से भी नहीं डरते। ठीक है बच्चों, तो इतने में सैनिक
उनको समझाता है कि बच्चों यह अश्वमेघ यज्ञ का पवित्र घोड़ा है और बच्चे इसे नहीं पकड़ते। लेकिन लवकुश कहाँ मानने वाले थे, वे उल्टा सैनिक को चुनौती देते हैं कि तुम एक सैनिक होकर युद्ध से डरते हो, चलो उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ता हूँ। और वाकई में वो एक तीर छोड़ देते हैं। तो तीर सैनिक को लगता है, बहुत नुकीला तीक्ष्ण बाण लगता है और सैनिक भाग जाता है। तो लवकुश आपस में बोलते हैं कि ये कायर तो भाग गए, चलो अब हम घोड़ा हमारा हो गया, हम सवारी करते हैं। इतने में वहाँ पर कौन आता है, शत्रुघ्न। वो अपना परिचय देते हैं और बोलते हैं कि चलो अब तुम मेरे तीर का सामना करो। तो लव जो तीर छोड़ता है वह शत्रुघ्न के अंगरक्षक को लगता है और शत्रुघ्न का जो घोड़ा होता है वह भी वापस भाग जाता है। तो अब कुश कहता है कि अब हम ये घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। इतने में वहाँ पर कौन आते हैं, श्री राम आते हैं और वे उन ऋषि पुत्रों से बोलते हैं कि बच्चों तुम बहुत वीर हो, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन यह घोड़ा मत पकड़ो, इसको छोड़ दो। तो लवकुश श्री राम से बोलते हैं कि महाराज आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और अभी हम युद्ध में हारे नहीं हैं तो हम घोड़ा नहीं दे सकते। तो श्री राम कहते हैं कि नहीं बच्चों, ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, आप मेरी बात मानो और ये घोड़ा वापस कर दो। तो लवकुश मानने वाले नहीं थे, वो ये कहते हैं कि बिना युद्ध किए तो हम ये घोड़ा नहीं देंगे और वे श्री राम को चुनौती देते हैं युद्ध करने की। इतने में वहाँ पर सीता माता आती हैं और वो ये समझाती हैं कि बच्चों ये तुम्हारे पूज्य पिता श्री राम है, इन पर बाण मत छोड़ना। ठीक है बच्चों, उसके बाद लवकुश बड़े हैरान हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि क्या कह रही हो माँ, कि ये हमारे पिता हैं। तो सीता माता उनका परिचय कराती हैं आपस में, वो ये बोलती कि हाँ बच्चों मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ये तुम्हारे पिता श्री रामचंद्र जी हैं जो अयोध्या के महाराज हैं। तो रामचंद्र जी को भी जब ये बात पता चलती है कि लवकुश के पिता वही हैं तो वे बहुत हैरान होते हैं कि इतने तेजस्वी बालक, इतने वीर बालक का पिता मैं हूँ। तो लवकुश श्री राम से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। श्री राम उनकी वीरता से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि आज मैं धन्य हुआ। तो बच्चों हमने आज पार्ट 4 अश्वमेघ का घोड़ा नामक पाठ का वाचन पूरा किया। अब मैं आपको इसी से संबंधित गृह कार्य दूंगी। आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत सफाई से अपना गृह कार्य करके मुझे भेजिएगा और आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि एक पृष्ठ सुरलेख जो आप प्रत्येक गृह कार्य में भेजते हैं वो अवश्य भेजिए। उससे आपके जो लिखावट है, आपका जो लेख है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और बच्चों अपना नाम, क्लास और होमवर्क नंबर प्रॉपरली मेंशन करिए, ठीक है। और इस पाठ को घर में अवश्य एक बार पढ़ना, एक बार में समझ नहीं आएगा आप दो बार पढ़ना, आप जैसे जैसे जितना पढ़ोगे आपको उतना समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। धन्यवाद।